नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी। एस्ट्रोलॉजी आईक्यू में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा नजर किस तरीके से उतारी जाए। आज का जो वीडियो है वो नजर उतारने पर है। अक्सर बच्चों को नजर लग जाती है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि नजर को किस तरीके से उतारा जाए। कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक सरल और प्रभावी तरीका जो मैंने अपनाया है, आप भी अपनाइए। बहुत ही कारगर तरीका है। इसमें आपको पांच चीजें आपको रखनी होंगी। पहली बात, ये एक आपको 4 या 5 इंच लंबाई की एक बातिल बनानी होगी रुई की। दूसरा, आपको एक इसको पकड़ने के लिए चिमटा चाहिए होगा, लोहे। ये आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि ये जो रुई है ये आपको तेल में डुबोना है, यानी कि तेल भी चाहिए आपको। चौथी बात, पानी से भरी हुई कटोरी भी चाहिए और एक मोमबत्ती चाहिए। अब करना क्या होगा, जिस बच्चे को नजर लगी है उसको आप अपने जब सामने खड़ा कर लीजिएगा, और करना क्या है कि ये जो रुई है इसको तेल में 10 सेकंड तक आप इसको भिगोइए। जब ये पूरा भीग जाए तेल में, तब इसको आप बच्चे के माथे पर एक बार छुआ करके फिर एक क्लॉकवाइज एक फेरा लगाइए और फिर आप बच्चे के माथे पर छुआएं। तब आपको कहना क्या होगा कि हे भगवान, हमारे बच्चे की बुरी आत्मा से, बुरी नजर से रक्षा करें। ये आपको बार बार बोलना है और ये 7 बार बोलना है आपको। क्लॉकवाइज आप करेंगे इसको, ये जो तेल से भीगी हुई रुई है, 7 बार आप क्लॉकवाइज ऐसे करेंगे और हर बार आपको माथे पर बच्चे को छुआ करके ये बोलना होगा कि भगवान इसकी बुरी नजर से रक्षा करें। जैसे मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, बालाजी को मानता हूँ, तो हर बार मैं यही बोलता हूँ कि भगवान हनुमान जी हमारे बच्चे की आप बुरी आत्मा से रक्षा करें। आपके जो आराध्य हैं आप उनका नाम ले सकते हैं। अब उसके बाद 7 बार एंटी क्लॉकवाइज ये सर के चक्कर लगाने होंगे इसके रुई के, और हर बार हर चक्कर पे माथे पर बच्चे को छुआना है। फिर करना क्या होगा, ये रुई आप पकड़ लीजिए इस तरह से चिमटे से, और आपको नीचे जो पानी से भरी हुई कटोरी है वो इसके नीचे रखनी है। लगभग इसकी जो ऊंचाई होगी पानी से कटोरी के और ये इस रुई की, ये लगभग 6 से 7 इंच ऊंचाई पे आपको रखना होगा। इस पर फिर आपको आग लगानी है, मोमबत्ती जो जल रही है उससे आपको यहाँ पर आग लगानी है। चिमटे से आप रुई पकड़ लेंगे इस तरीके से, आप देख लीजिए कि वो एक ऊपरी हिस्सा आप चिमटे से पकड़ रहे हैं ताकि आप खुद ना जलें। अब करना क्या है, आपने मोमबत्ती ली और मोमबत्ती से इसको आग लगा दी। आप देखेंगे कि जो इसका जो तेल है जल करके, वो जब पानी में गिरेगा तो चट चट की आवाज आएगी, चट चट इस तरह से। तो जितनी तेज चट चट की आवाज आए, आप समझ लीजिए कि इस बच्चे को उतनी ही तेज नजर लगी है। अगर आवाज कम तेज आ रही, बहुत कम आवाज आ रही, तो आप ये मानिए कि बच्चे को नजर कम लगी है। कभी कभी ये भी होता है कि नजर नहीं भी लगी है, आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, तब बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी। तो ये आप इस तरह से अपने बच्चे की नजर उतार सकते हैं। अब करना क्या होगा, जब ये पूरा जल जाए तो आपको ये जो पानी से भरी हुई कटोरी है उसमें रख देना है, और फिर उसको आपको कहीं नाली में नहीं फेंकना, इसको किसी पेड़ के पास गमले में आप उसको डाल सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे की नजर उतर जाएगी, बच्चा सकुशल हो जाएगा, उसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस तरीके से बच्चे की नजर उतारें, बहुत कारगर है, बहुत प्रभावी है, और ये आपको बहुत सफल भी बनाएगा, बच्चे को बहुत फिट नजर से बचाएगा भी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, आज इस वीडियो में इतना ही मैं बात करूंगा, फिर मिलूंगा नए मुद्दे पर नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।